एवरीवन, मैं प्रियम कुमार आपका अपना चैनल राइट डिसीजन पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि हेप्टागन को कैसे बनाएंगे अर्धवृत्ताकार विधि से। जैसा कि आपको दिख रहा है यहां पे टाइप बी अर्धवृत्ताकार विधि द्वारा क्या करना है, आपको एक नियमित सप्तभुज की रचना करना है, जहाँ सप्तभुज की भुजा जो दिया हुआ 35 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ टाइप बी लिखा हुआ है क्योंकि ये अर्धवृत्ताकार विधि में दो विधि होता है। टाइप ए हम आपको ऑलरेडी पहले बता चुके हैं, ये वाला विधि, ठीक है। टाइप ए हमारा ये बन गया था इस प्रकार से, और अभी हम टाइप बी पे बात करेंगे। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आपको देख रहे हैं, क्योंकि हेप्टागन पे हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 3 बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जनरल मेथड से बना लिए थे, क्वेश्चन नंबर 2 टाइप ए से बनाया, क्वेश्चन नंबर 3 हम अर्धवृत्ताकार विधि से ही टाइप बी से हम इसको बनाएंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा होगा, सप्तभुज की रचना करना, जहाँ सप्तभुज की भुजा जो दिया हुआ वो 35 दिया हुआ है, ठीक है। इसको आराम से हम बना सकते हैं। क्या क्या किए यहाँ पे क्या किए कि एक बेस लाइन को लिए, आपको एक बेस लाइन को ड्रॉ कर लेना है। और क्या करना है, 35 देखिए, ये जो ए बी हम लिए हैं, ये ए बी जो हम लिए हैं 35 ले चुके, 35 बोल रहा था, तो 35 लेके क्या कर दिए, फिर इसमें 35 कंपास में भरे। अब 35 में रखे क्या किए, ए को त्रिज्या मान के, ठीक है, ए को त्रिज्या मान के क्या किए, यहाँ से एक हाफ सर्कल को ड्रॉ किए, ठीक है। इस प्रकार से एक हाफ सर्कल को हम यहाँ पे ड्रॉ किए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इस पर हाफ सर्कल ड्रॉ कीजिएगा तो पी होगा। अब क्या करना है, इस हाफ सर्कल मतलब ये जो परिधि होगी, इस हाफ सर्कल की जो वृत्त की परिधि होगी, इसको 7 बराबर भागों में बांटना है। इसको 7 बराबर भागों में आप दो तरीके से बांट सकते हैं, या तो इसके एंगल को बांट दीजिए, इसका एंगल कितना होगा 180 डिग्री, एंगल से बांटिएगा तो 180 होगा, 180 में 7 से भाग दीजिएगा तो 25.71 आएगा। या फिर इसकी अर्धवृत्त की परिधि निकाल लीजिए, उसमें 7 से भाग दीजिए, तो परिधि अगर निकालते हैं इसका मान, तो परिधि का मान कितना निकल जाएगा, एंगल की अगर हम बात करें तो इसका एंगल होगा कितना, अर्धवृत्त का परिधि होगा 180 डिग्री, 180 में 7 से भाग देंगे, ये 25.71 डिग्री निकलेगा। अगर हम परिधि की बात करें तो परिधि होगी हमारा 22/7 × 35, क्योंकि पाई आर होगा, पाई आर होता है इसका हाफ वृत्त का, ठीक है। तो 7 × 35 = 22 × 5 = 110 को फिर हम 7 से भाग देंगे, ये हमारा निकलेगा 15.71, ठीक है। जैसे आप 25.71 ले लीजिए या फिर आप 15.71 लीजिए, जैसा लीजिए। तो अगर देखिए 15.71, तो 15.71 तो प्रोटेक्ट हमारा ये प्रोटेक्टर में निकलेगा ना डिग्री में, तो उसको आपको 26 लेकर चलना होगा। जब ये 0.5 से अगर 0.5 से अगर ज़्यादा रहेगा तो उसको हम नेक्स्ट एक अंक बढ़ा के ले लेते हैं। तो यहाँ पे 15.71 इसे हम ये इसे लेके हैं, तो यहाँ हमारा कितना 16 लेना होगा, इसको 15.71 को 16 लेना होगा। अगर डिग्री को लेते हैं तो हम यहाँ पे इसको 25.7 को 26 डिग्री के बराबर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे 15.71 लेते हैं परिधि के हिसाब से, देखिए 15.71 लेना है तो मतलब 15.7 तो ले नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे हम 16 ले लेंगे, ठीक है, 16 ले लेंगे आराम से। तो देखिए यहाँ पे हम एक 16 ले लिए, बिल्कुल आराम आराम से चलना है। तो देखिए यहाँ पे 16 ले लिए, इसको हम फिल कर दिए, परिधि के हिसाब से चल रहे हैं हम। अब देखिए यहाँ पी से क्या करना है, आपको पी पॉइंट से आना है, पी पॉइंट से यहाँ पे कट मारते जाना, तो एक कट हो गया यहाँ पे ये, और फिर इसी तरह आपको आगे बढ़ना है, तो इस पर ये हमें ये लगा लिए, इस तरह का कट लगाते जाना आपको, दो कट हो गया, फिर आगे चलेंगे ये हमारा हो गया 3 कट, फिर हम आगे चलेंगे तो ये हमारा हो गया 4 कट, फिर इसी तरह आगे चलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 5 कट, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये हमारा 5 हो गया, और ये हमारा हो गया यहाँ से 6 कट, ठीक है। इस प्रकार आपको यहाँ पे 6 कट लगा देना है, और 6 कट जब आपका लग जाएगा, और ये बी तो आपका 7 कट पर ही है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या करना है आपको, ये पॉइंट मार्किंग कर लेना है, ये पॉइंट मार्किंग कर लेना है आपको इस पर, बिल्कुल आराम आराम से ये पॉइंट मार्किंग कर लेना है। अब देखिए यहाँ से क्या करना है आपको, पॉइंट जब मार्किंग कर लीजिएगा, उसके बाद देखिए क्या करना है आपको, अब क्या करना है कि इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम मान लीजिए हम एक नाम दे देते हैं, ऊपर वाले का हम मान लीजिए 2 नाम दे देते हैं, इसका हम 3 नाम, इसका 4, इसका 5, इसका 6, और ये तो बी हमारा 7 है, ठीक है। अब देखिए जब इस प्रकार का ये हम इसमें ये कर दिए, तो अब उसके बाद फिर क्या करना है आपको, आप ये लीजिए और यहाँ पे देखिए ए बी को क्या कीजिए, ए बी तो आपका पहले से ही ये हेप्टागोन की एक भुजा पहले से ही बनी हुई थी, तो इसको आप देखिए यहाँ कर देते हैं। तो आपको पेन चलाना है कौन सा, 2S पेंसिल चलाएंगे पहले, उसके बाद HB पेंसिल से इसको फाइन करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ कलम तो चला रहे हैं इसलिए आपको दिखाई पड़े स्पष्ट। अब देखिए यहाँ से क्या करना है आपको, फिर 2 से फिर 1 पॉइंट को मिला देना है, 2 से 1 पॉइंट को मिला दिए इस तरफ, ये हमारा बन गया हेप्टागोन की दूसरी भुजा के हुए। अब देखिए क्या करना है आपको, ये वाला लीजिए, अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, अब ए पॉइंट से 3 पॉइंट को मिलाना, ठीक है। इस विधि में यही प्रोसेस होता है कि अब जितना भी पॉइंट बना हुआ है ना, 3, 4, 5, 6 सबको ए से मिला देंगे, ठीक है, ए से। तो देखिए 3 को ए से मिलाते हैं, 3 पॉइंट को ए से हम इसको मिलाते हैं, इस प्रकार आप इसको मिला देंगे। फिर उसी तरह हम 4 को मिलाएंगे, 4 पॉइंट्स को हम ए से मिलाएंगे इस विधि में,
तो फिर चार से हम एक को मिला दिए, फिर उसी तरह हम पाँच को मिलाएंगे बिल्कुल आराम आराम से, ठीक है। फिर हम उसी तरह एक को पाँच से मिलाते हैं, तो चलिए ए से पाँच को मिला दिए। फिर देखिए ए से फिर क्या करना है आपको, छः को मिलाना है, छः पॉइंट को मिलाना है। इस विधि में यही नियम होता है, ठीक है। तो इस विधि में हम ये कर दिए, ए से छः को हम मिला दिए इस तरह से, ठीक है, आपस में इसको मिला दिए। अब देखिए क्या करना है आपको, अब करना क्या है कि यहां से क्या करेंगे आप, अब देखिए क्या करना है यहाँ पे आपको, ये करना है कि अब ये हम इसको कर लिए, यहाँ से सारा खींच लिए। अब देखिए यहाँ से ए और बी के दूरी को क्या कर लीजिए आप, फिल कर लीजिए, ए और बी के दूरी को फिल कर लिए 35 एम था, ठीक है, और ए के टू की भी दूरी बराबर है। अब क्या करना है, बी पॉइंट से आपको आगे चलना है, और देखिए ये जो लाइनिंग खींचे थे ए और सिक्स लाइनिंग पे, ठीक है, ए और सिक्स लाइनिंग, ये हमारा सिक्स लाइनिंग था, इस पर क्या करना है, कट मारना है, ठीक है, एक कट मारिए, ठीक है, इस पर एक कट मारिए। देखिए कहाँ कट मर रहा है, तो यहाँ पे एक कट मना, यहाँ पे एक कट बन गया, तो ये एक जो कट बना यहाँ पे एक हमारा पॉइंट बन गया, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एक पॉइंट बन गया। देखिए जैसे आप यहाँ दिख रहा होगा कि ये देखिए यह हमारा एक यहाँ पर क्या बन गया, हमारा यहाँ पे एक हमारा यहाँ पे पॉइंट बन गया। देखिए यहाँ पे एक हमारा यहाँ पे क्या हो गया, इस सिक्स लाइनिंग पे खींचे तो हमारा एक यहाँ पे पॉइंट बन गया। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं सी, इस पॉइंट को हम नाम दे दिए क्या, इस पॉइंट को हम नाम दे दिए सी, और इसको क्या करना है, बी से सी को मिला देना है, बी से सी को मिलाना है, ठीक है, बी से सी को मिला देना है। इस प्रकार आप बी से सी को मिला देंगे, तो ये हमारा ए बी सी, ये हमारा हेप्टागोन की तीसरी भुजा बन गई, ठीक है। उसी तरह फिर क्या करना है, सी से रखना है, फिर फाइव पे कट मारना है, जैसे हम बी से रखे सी से मारे। अब देखिए फिर उसी तरह क्या करना है आपको, सी पॉइंट पे रखना है, ये सी पॉइंट पे इसको रखेंगे, और सी पॉइंट पे रखने के बाद क्या करेंगे, हमारा पांच लाइनिंग जो हमारा ये पांच जो लाइनिंग था इस पर कट मारेंगे, ठीक है, इस पर हम यहाँ पे कट मारे तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पॉइंट बन जाएगा, इस हमारा एक यहाँ पे पॉइंट बन गया, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये हमारा यहाँ पे एक पॉइंट बन गया। इस पॉइंट को नाम देते हैं मान लीजिए डी, इस पॉइंट को नाम देते हैं डी, उसी प्रकार सी से डी को मिला देंगे। चलिए बाद में लाएंगे, फिर हम आगे चलते हैं अभी। अब देखिए डी पॉइंट पे फिर रखना क्या करना है, ये 35 एम था पहले से इसमें फिल है, उसके बाद क्या करना है, इस पर कट मारना है, ठीक है, इस पर कट मारना। देखिए इस पर कट नहीं लग रहा है, इस पर कट, ये देखिए यहां से हम इसको मारेंगे तो ये हमारा भी कट इस पर नहीं लग रहा है, ठीक है। तो देखते हैं इसका, ये इसको बढ़ाना होगा, ये वाला को देखिए यहाँ पे इसको बढ़ाए और इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, देखिए यहाँ से बढ़ा दिया इसको और इसको थोड़ा सा क्या किया हम, इसको इस पर फिर कट मारेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे कट मारा, यहाँ पे हमारा कट लग गया, ठीक है। तो इस प्रकार जहाँ पे एक टच हुआ वहाँ पे हमारा एक ये परिधि बना देगा, तो इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए ई। इसी तरह हम आगे चलते हैं, ठीक है, फिर मिला लीजिए, ठीक है, इसको मिला लीजिए, या चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए ई से क्या करेंगे, इस पर मिलाएंगे तो ये भी हमको लगता है छोटा पड़ जाएगा, तो इसको भी थोड़ा सा बढ़ाना होगा, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा बढ़ाना होगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ये वाला पॉइंट को हमारा, ये जो तुम्हारा तीन पॉइंट था ना, इसको हम बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, तो चलिए इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इस तरह से, और इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं कि छोटा पड़ जाता है, तो इसको भी थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं, इस पॉइंट को टू से भी आगे लेके चलना है, तो इस प्रकार हम यहाँ से बढ़ा लिए। देखिए टू से तो, देखिए टू से तो टूबला लाइन तो हम लोग गलत, टूबला लाइन तो गलत खींच दिए, टूबला लाइन तो खींचना नहीं है, क्योंकि टू तो इसी से मिलाना है ना, टू से इसी मिलाना है, तो देखिए टू से जब इसी मिलाना है तो यहाँ से देखिए अब फिर क्या करेंगे, ई से ई पॉइंट से हम फिर यहाँ पे खींचेंगे थ्री पॉइंट पे, तो थ्री पॉइंट पे कहीं ना कहीं कटेगा, देखिए थ्री पॉइंट पे कहीं ना कहीं कटेगा, तो देखिए थ्री पॉइंट पे कहाँ कट रहा है, थ्री पॉइंट पे यहाँ कट रहा है, यहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है, देखिए यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, ये देखिए यहाँ 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 पे क्रॉस कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ ये भी तो कटेगा, लेकिन ये वाला पहले कटेगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्रॉस कटा है यहाँ पे, तो वहाँ पे इसको हम मिला, देखिए बिल्कुल आराम से, देखिए ये ई वाला पॉइंट को मिलाना, चूंकि टू से भी पॉइंट इसी पे मिलेगा, टू से भी थ्री को मिलेगा, ई से भी थ्री को मिलेगा, ठीक है, जिसको ध्यान से देखिए कहाँ मिलता है, ठीक है, अगर हम टू से मिलाते हैं तो देखिए टू से हमारा कहाँ बन रहा है, इस पॉइंट पे बन रहा है, ठीक है, टू से यहाँ पे हमारा बना, ठीक है, टू से हमारा यहाँ पे बना, टू से इस पॉइंट पे, तो ई से भी हमारा क्या होगा, इसी पॉइंट पे बनेगा, ठीक है, इसी पॉइंट पे, वो थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से दो पॉइंट पे लग रहा था, ठीक है, तो ये भी थ्री पॉइंट पे भी इसी पॉइंट पे बनेगा, देखिए इसी पॉइंट पे बना, आके यहाँ पे एक कट लगा, ठीक है, दोनों एक ही पॉइंट पे कट लगा, तो इसी पॉइंट पे हमारा ये कट लगेगा, इसी पॉइंट पे हमारा ये कट लगेगा, ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमारा यहाँ पे क्या हो गया, कट लग गया, तो ये हमारा देखिए क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, तो देखिए एक भुजा हो गया, दो तीन चार पाँच छः सात भुजा हमारा बन गया। अब देखिए इसको नाम दे दीजिए आप ई हो गया, ये हमारा मान लीजिए नाम दे दीजिए ऐप, तो देखिए टू से ऐप को मिला दीजिए, टू से ऐप को मिला देना है आपको, टू से ऐप को, और ऐप से ई को मिला दीजिए आप, ऐप से ई को मिला दीजिए,
और फिर ई से आप डी को मिला दीजिए, इस प्रकार आपको मिला देना है, ये मिला दिए। और उसी प्रकार आपको क्या करना है, डी सी को मिला देना है, सी से डी को, सी से डी को भी इसको मिला देते हैं बिल्कुल आराम से। ठीक है, सी से हम आपको डी को मिला देते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हेप्टागन ये बन गया कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू बन गया ए बी, एक दो तीन चार पाँच छः और ये हमारा सात। तो इस प्रोसेस से आपको ये बन गया। ठीक है, टू पॉइंट से आपको नहीं खींचना था। ठीक है, टू पॉइंट से तो हम ले ही लिए थे। ठीक है, टू पॉइंट से नहीं लाइन खींचना था, और थ्री थ्री चार पाँच सिक्स पॉइंट से आपको सिर्फ लाइन खींचना, ए से क्रॉस करते हुए जाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा कंप्लीट क्या हो गया, देख पा रहे हैं इस प्रकार हमारा कंप्लीट हेप्टागन ये हमारा यहाँ पे आके बन गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ऑलरेडी हमारा ये हेप्टागन, देखिए ये हमारा ये बन गया। आप चाहें इसका डायमेंशन भी कर सकते हैं, डायमेंशन या तो ये वाला कर दीजिए आप, ये वाला, ये हमारा कितना है, ये हमारा जो है 35 है। ठीक है, ये हमारा कितना है, तो ये हमारा 35, इधर से ये हमारा कितना है इसका भुजा 35 है, कर भी सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया 35 mm हो गया ये। ठीक है, चूँकि रेगुलर है, और ठीक है रेगुलर तो इस विधि से तो नहीं होगा, क्योंकि जिसमें सात से पूरा पूरा भाग लगेगा वही रेगुलर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हम 16 लेके चले हैं, तो यहाँ पे तो एक न एक भुजा कुछ ना कुछ तो कम होगा, सातों भुजा इसका बराबर नहीं होगा, एक भुजा क्या होगा बी सी, देखिए बी सी छोटा लग रहा है ये 6B। ठीक है, ये छोटा लगेगा ही थोड़ा सा, मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है, हल्का भागता है, क्योंकि ये जो आपका टाइप ए और टाइप जो बी है इसमें थोड़ा सा पूरा पूरा कट जाएगा, अगर वो सात से पूरा पूरा कट जाएगा तब तो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा, अगर सात से पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो थोड़ा सा वो हल्का फल्का उसमें भुजा में आता है। ठीक है, हल्का फल्का इधर आता है। ठीक है, ये इसमें होता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर थ्री भी हमारा कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं, अगर जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर वहाँ पे भी देगा कटेगा तो भी, नहीं कटेगा तो भी, ठीक है, लेकिन इस विधि से आपको बनाना होगा। ठीक है, इस विधि से हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, इसको बनाते हैं। तो और इससे पहले भी हम लोगों ने पेंटागन बना लिए, हेक्सागन बना लिए, अब हेप्टागन बना रहे हैं। हेप्टागन में भी हमारा एक और क्वेश्चन और बनेगा, उसके बाद हमारा ये हेप्टागन भी खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग ऑक्टागन बनाएंगे। तो उन सारे वीडियो का लिंक, अगर आपको पेप्टागन हेक्सागन अगर नहीं आता है तो उन सारे वीडियो का लिंक इसमें मिल जाएगा, या फिर आपने लेटर वगैरह नहीं पढ़ा है, डबल स्ट्रोक सिंगल स्ट्रोक लेटर को कैसे लिखेंगे, कैपिटल हो, ठीक है, या इंक्लाइन में कैसे लिखेंगे, तो उन सारे वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, आप वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, और प्ले लिस्ट पर जाइएगा, थ्योरी का भी वीडियो आपको मिल जाएगा बहुत सारा, तो आप वहाँ से भी इसको जाके देख सकते हैं। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, अगर आपको आज का सेशन आपको पसंद आया तो जिससे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसका नोटिफिकेशन आपका आते जिले मिलते हैं।